नमस्कार, आप न्यूज 11 देख रहे हैं। पटना में बारिश होने पर अब लोग डरने लगे। लोगों में ये डर पिछली बार पटना में हुए जल जमाव को देखकर बन गया है। लोग जैसे ही बारिश की बूंदें देखते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में पटना जल जमाव से उत्पन्न हुई विभिषिका की याद ताजा हो जाती है। बुधवार को हुई बारिश के बाद अब लोग फिर से ये पूछने लगे हैं कि क्या पटना फिर से डूबने वाला है। बता दें आपको कि बिहार में पश्चिमी विक्षोभ अपना असर पूरी तरह से दिखाने लगा है। बुधवार को पटना समेत बिहार के कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान और गरज के साथ साथ बारिश होने की भी संभावनाएं जताई हैं। इनमें पटना के साथ साथ नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी भी शामिल है। मौसम विभाग ने 48 घंटे पहले ही पूर्वानुमान कर बताया था कि 8 से 10 जनवरी तक बिहार में बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसके बाद बारिश भी हुई। वहीं बारिश के कारण कोहरे में तो कमी आई है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि 17 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में बारिश से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, वहीं किसानों की फसलों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।